Good morning, our tiny tots. Welcome to our previous class. Today we will start our next chapter, that's name is solids, liquids and gases. ठीक है? आज हम अपना chapter 12 start कर रहे हैं, जिसका नाम है solids, liquids and gases. ठीक है? अब देखिए बच्चों, हम अपने surrounding में, अपने चारों तरफ बहुत से जो things हैं, उनको observe करते हैं, है ना? अपने चारों तरफ और अपनी डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे जो थिंग्स हैं उनको यूज करते हैं, है ना? एयर, वाटर, टेबल, पेन, पेंसिल, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, है ना? ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं. ठीक है, आप ये जो थिंग्स हैं इनके देखो, कुछ जो है उनमें सिमिलरिटीज होती है ना, एक जैसी होती हैं, कुछ जो है वो अलग होती हैं. हम उनको कैटेगराइज करके रखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ना हम उनके. अब देखिए, ये जो जितनी भी थिंग्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, है ना? अब डिफरेंस तो हो गया कि भाई कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, सारे ऑब्जेक्ट्स की, सारे थिंग्स की, है ना? और उनका जो साइज है वो अलग हो सकता है, बट उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं, कॉमन जो चीजें होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं. जैसे जितनी भी जो थिंग्स होती हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, है ना? और उनका कुछ ना कुछ वेट होता है. कोई भी जो थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उनका कुछ ना कुछ वेट होता है. सो वो कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका कुछ वेट होता है उसको हम बोलते हैं मैटर. ठीक है, अब हम थिंग्स की बात कर रहे थे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो थिंग्स हैं अपने चारों तरफ और अपने सराउंडिंग में उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं. एयर, वाटर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, बताया मैंने अभी आपको, क्लॉथ, है ना? अब क्या ये जो सारी चीजें हैं इनको हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं थिंग्स को, कौन कौन सी? देखिए, जो थिंग्स होती हैं उनको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया. कितने टाइप्स में हमने उसको बोला? टू टाइप्स में. कौन कौन सी? नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स जो हमें नेचर से मिलती है, और नेचर के अंदर कौन हमें देगा? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, है ना? जो इनसे हमें जो थिंग्स ऑब्टेन होती है उनको हम बोलेंगे नेचुरल थिंग. और सेकंड आता है आर्टिफिशियल थिंग्स. सेकंड कौन सी है? आर्टिफिशियल थिंग्स. आर्टिफिशियल थिंग्स हम किसको कहेंगे? जिन थिंग्स को हमने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो नीड थी उसके लिए बनाया है, है ना? हमने सिंथेसाइज किया है, मैंने जिसको बनाया है, इनको इसीलिए हम बोलते हैं मैनमेड. क्या बोलेंगे? मैनमेड थिंग्स. ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मैंने जिनको बनाया है आर्टिफिशियल थिंग. अच्छा, एग्जांपल्स बताइए अब आप मुझे आर्टिफिशियल थिंग. प्लास्टिक नेचर नहीं देता प्लास्टिक हमें, है ना? ग्लास, ये जो है इनको हमने बनाया है, है ना? मैंने बनाया है हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग. और प्लांट्स से जैसे हमें मिलते हैं क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, पल्सेस, सीरियल्स, एनिमल्स से हमें मिल्क है ना? इसके अलावा नेचर जो हमें प्रोवाइड करा रही है, एयर, वॉटर, ये सारे क्या है? सनलाइट, ये सारे क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं जो नेचर ने हमें दी हैं. ठीक है, ये तो मेनली हमने मोटे रूप से कैटेगराइज कर लिया थिंग्स को. नेचर ने जो हमें प्रोवाइड कराई है नेचुरल थिंग्स, और जो हमने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बनाई है वो है मैनमेड थिंग्स या फिर आर्टिफिशियल थिंग्स. अब देखिए, ये जो थिंग्स है जितनी भी, चाहे वो नेचुरल थिंग है चाहे वो आर्टिफिशियल थिंग है, उनका कोई कॉमन कैरेक्टर होता है. और कॉमन कैरेक्टर क्या है? जो भी थिंग है, कोई भी थिंग है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट.
ऑक्यूपाई करेंगी, जगह घेरेंगी ना, जितनी जगह में वो आ रही है, जितना उसका साइज है, एरिया है, और उनका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। सो इन थिंग्स को जिससे ये बनी हुई होती हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको हम बोलेंगे मैटर। क्लियर? मैटर। अब जितनी भी जो थिंग्स हैं उनकी जो मैटर की स्टेट होती है वो अलग अलग होती है। एक स्टोन आपने देखा, एक एयर को आप फील कर रहे हो, एक वाटर को हमने ऑब्जर्व किया, क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं ना, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। सो जो स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं वो थ्री होती हैं। जितनी भी जो थिंग्स होती हैं उनको हम मैटर की थ्री स्टेट्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्यों वो एक दूसरे से अलग हैं, वो हम अपने इस टॉपिक में, आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम भी यही है ना, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, यही नाम है अपने चैप्टर का। सो ये तीनों है क्या? ये तीनों है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जिस मैटर से जो थिंग बनी हुई है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, कि वो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक क्या गैस है। देखिए सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत, इनके एक दूसरे से बहुत सटे हुए, बहुत क्लोजली पैक्ड है ना, उनके बीच में मूवमेंट के लिए गैप नहीं है। जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी कि उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए वो हार्ड होते हैं। सॉलिड्स क्या है? हार्ड है। लिक्विड्स के अंदर इन पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड्स है वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और इनके अंदर फ्लो करने की कैपेसिटी होती है ना, बहते हैं ना, फ्लूइडिटी होती है। गैसेस के अंदर जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा गैप पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, समझ आया पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। अब देखिए इसके जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके अरेंजमेंट के बेस पर ही हमने मैटर की जो थ्री स्टेट्स हैं वो डिसाइड की हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड्स जो होते हैं उनके अपने अलग फीचर्स होते हैं, अपनी अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स होती है, अब ये चौक है, इसकी जो शेप है वो फिक्स है, इसको मैं चाहे हाथ में होल्ड करूं, चाहे टेबल पर रखूं, है ना, क्या होगी इसकी शेप, वो ही रहेगी, है ना। तो सॉलिड्स की जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। शेप क्या है? फिक्स। समझ आया? ये क्या है? एक सॉलिड है ना, और इसकी शेप क्या है, हम उसको चाहे किसी भी कंटेनर में डाल रहे हैं उसकी शेप फिक्स होती है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड जैसे एग्जांपल अपना है वाटर, ऑयल, मिल्क, है ना। अब आप देखिए वाटर की शेप क्या होती है, बताइए, बता सकते हो? अगर आपने उसको ग्लास में फिल किया है तो उसकी शेप आपको ग्लास के जैसी नजर आएगी, अगर आपने उसको बॉटल में फिल किया हुआ है तो आपको लगेगा कि वाटर जो है वो बॉटल की शेप जैसा है ना। सो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। शेप क्या है इनकी? फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स। और सेम कंडीशन होती है गैसेस में भी, इनकी भी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती गैसेस में भी। जिस कंटेनर में हम इनको रखते हैं, लिक्विड्स को और गैसेस को, जिस कंटेनर में हम रखते हैं, जिस कंटेनर में हम इनको डालते हैं, लिक्विड और गैस उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, है ना। अगर हमने उसको स्क्वायर बॉक्स में डाला है तो हमें लगेगा उस लिक्विड की या किसी गैस की जो शेप है वो कैसी है, स्क्वायर शेप है। अगर हमने उसको सिलेंड्रिकल में डाला हुआ है तो हमें उनकी शेप सिलेंड्रिकल लगेगी, ठीक है।
समझ आया? सो एक तो डिफरेंस क्या है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, जबकि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती। अच्छा, अब एक चीज आप और बताइए, एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए कौन कौन से हो सकते हैं गैसेस का। अब देखो, वॉल्यूम यानी कि जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। सॉलिड है, एक टेबल है या ये चौक है, मैंने इसको यहां ऐसे होल्ड किया है तो भी इसने इतना ही एरिया कवर कर रखा है। अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करती हूँ तो भी उसने उतना ही स्पेस कवर कर रखा है। मैं इसको टेबल पे रखूंगी तो भी ये इतना ही एरिया कवर करेगा, है ना। सेम ऐसे ही जो लिक्विड्स होते हैं, एक ग्लास पानी है तो ग्लास में उसने जितना एरिया कवर किया था, अगर मैंने बॉटल में डाला तो बॉटल में भी वो उतना ही वॉल्यूम उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बकेट में मैंने डाल दिया तो बकेट में भी वो एक ग्लास पानी है तो उसके बॉटम में ही रहेगा, जबकि गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता है, है ना। गैसेस को जितना स्पेस मिलता है वो उतने में ही स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, समझ आया डिफरेंस। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं सॉलिड के, तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, स्टोन, डायमंड, है ना, वुड, ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, है ना। और गैसेस में एयर, और जितनी भी गैसेस हैं ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, गैसेस के। ठीक है, समझ आ गया मैटर की थ्री स्टेट्स और जो थिंग्स को हमने कैटेगराइज किया था नेचुरल थिंग्स में और आर्टिफिशियल थिंग्स में। अब देखिए ये जो स्टेजेस होती हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंजेस हो सकती हैं, है ना। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें सॉलिड में भी देखने को मिलते हैं, लिक्विड में भी देखने को मिलते हैं और गैसेस स्टेज में भी देखने को मिलते हैं। अब उनके स्टेजेस को चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना, कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।